अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्दीकी सेंस। गाइस, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर। आज हम बनाने वाले हैं काई चिकन फ्राई। जैसे कि नाम से ही इतनी यूनिक सी है, ऐसे ही ये टेस्ट में भी यूनिक होगी। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी को। तो चलिए गाइस, आज हम फिर से लेकर आए हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को, जैसे कि उसका नाम है फ्राई चिकन फ्राई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बताते हैं इसमें इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। हमें इसके लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन मैरिनेशन के लिए जो हमें चाहिए ये है तकरीबन 750 ग्राम चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, कॉर्नफ्लावर, ये रोस्टेड तिल का पाउडर, ये यहाँ पर अलसी का पाउडर जिसे हम फ्लेक्सीड भी बोलते हैं, इसे भी हमने ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बनाया है, और तिलों को भी हमने ड्राई रोस्ट करके उनका पेस्ट उनका पाउडर बनाया है, रेड चिली पाउडर, और ये है कॉर्नफ्लावर, और ये मैदा और दही, एक अंडा चाहिए और आमचूर थोड़ा सा और स्वाद के अनुसार नमक। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने इसे मैरिनेट करना है। ऐसे कोई भी एक खुला आप बर्तन ले लेंगे, डिश ले लेंगे, उसमें सबसे पहले हम जो है चिकन के लिए, चिकन को बाद में डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें इसके लिए पेस्ट जो बनाना है उसको के लिए डाल लेते हैं। ये हमने दही ली है, आप तकरीबन इसमें 150 ग्राम दही ले लें, एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये तिल का पाउडर है जो तिल को हमने ग्राइंड करके रोस्टेड तिल को ग्राइंड करके बनाया है, इसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून हम तिल का पाउडर ले रहे हैं, और 1 टेबल स्पून हम इसमें फ्लेक्सीड पाउडर, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें स्पाइसेस यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर ज्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, और ये है कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 टेबल, ये इस साइज के 2 टीस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर लेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लेंगे, और ये जो एक हमने एग लिया है इसको हम इसमें नहीं डालेंगे, इसको हम जब ये मैरिनेट कर लेंगे उसके बाद इसमें हम इसे रैप करेंगे, तो इसको अभी हम साइड रख देते हैं, और इनका जो भी हमारे हमने ये लिया है इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसी में हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल देंगे, ये मैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं आमचूर पाउडर डाल दूंगी, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है मैरिनेशन के लिए। अब हम इसमें जो हमने चिकन लिया था उसको हमने वॉश कर लिया था, अच्छे से साफ कर लिया था, उसको हम इसमें डाल देंगे। मैंने चिकन को भी थोड़ा सा एक रात पहले या आप चाहें तो 1-2 घंटे पहले आप चिकन को सिर्फ थोड़ी सी दही में मैरिनेट करके रख दें, ताकि उसके अंदर जो दही के फ्लेवर्स होते हैं वो फ्लेवर्स उसके अंदर आ जाए और वो थोड़ा वो टेंडर हो जाए, वो सॉफ्ट रहता है चिकन। आपके चिकन को अगर आप दही में मैरिनेट करेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, ये हमारा चिकन मैरिनेट हम कर चुके हैं। अब हम इसे तकरीबन 1-2 घंटे, आप चाहे 1 घंटा मिनिमम, 1 घंटा नहीं तो 2 घंटे आप इसको रखकर फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। अब हम जैसे कि हमारा चिकन ये मैरिनेट हो चुका है, 1 घंटा हमने इसे फ्रिज में रखा था, अब हम इसको, ये मैंने 1 प्लेट में मैदा ले ली है और 1 एग को
अब हम इस चिकन को एग के अंदर डाल के और उसके बाद हमारी ये जो मैदा है, मैदा या कौन सा दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, इस पे इसको इसमें रैप करके फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा क्योंकि हाई फ्लेम में चिकन ऊपर से तो क्रंची हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा हो जाएगा, इसलिए फ्लेम को जो है मीडियम फ्लेम पर ही मतलब फ्राई कीजिएगा चिकन। मैरिनेशन तैयार करना है और उसके बाद इसे फटाफट से फ्राई करना है, लेकिन टेस्ट में ये जबरदस्त होगी। चिकन को पूरी तरीके से पकने के लिए तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं, तो आप जल्दबाजी ना करें। काफी बार होता है कि हमें लगता है कि ऊपर से ये इसका अच्छा कलर आ जाता है, हम सोचते हैं चिकन अंदर से गल गया होगा, पक गया होगा, लेकिन वो अंदर से कच्चा निकलता है, तो वो बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको इसे अच्छे से ताकि अंदर तक पकाना है, तो आप इसे थोड़ा सा मिनिमम 8 से 10 मिनट को इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और ये जो इसका मैरिनेशन का पेस्ट हमारा बचा है, ये हमारा पेस्ट नहीं है। अब हम इसके साथ के लिए हम एक सॉस तैयार करेंगे जो हम इसके साथ इसको एडिटिव यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। टैंगी फ्लेवर की सॉस बनाना है जो इसके लिए मैंने बोला आपको, तो सॉस तैयार करते हैं। जो भी हमारा ये बचा हुआ मैरिनेशन पेस्ट है, ये इधर हमारे जो भी इसमें ये हल्का सा कॉर्नफ्लोर मैदा और ये इन सब चीज़ों को हमें वेस्ट नहीं करना है, इनको हमें यूटिलाइज करना है। एक तरफ हमारा चिकन जो है फ्राई हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा जस्ट 1 टेबल स्पून तकरीबन हमें इसमें ऑयल ऐड करना है और इसमें डाल टोमेटो केचप डालेंगे, तकरीबन मैं 2 चम्मच इसमें टोमेटो केचप लेने वाली हूँ। और इसका मैरिनेशन में इसको डाल के इसका ये वेस्ट ना हो, हमारी इसमें दही और सारे इंग्रेडिएंट्स थे। अब हम इसे सॉस को पकाना है लो फ्लेम। ये हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, पक गया है, इसमें नमक वगैरह टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली, हल्की सी चाहे तो जैसे अगर आपको लगे इसमें कम है तो आप हल्की सी रेड चिली और ऐड कर सकते हैं इस सॉस में, और थोड़ा सा जो हमारा तिल का पाउडर था हम इसमें वो ऐड करें।
हमें इसमें नमक जरूर टेस्ट चेक कर लेना है। इसके लिए शुगर, आप चाहें तो इसमें शुगर पाउडर डाल सकते हैं। मेरे पास शुगर पाउडर है तो मैं यहाँ पर शुगर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं हो तो आप इसमें चीनी भी ले सकते हैं, साफ जो चीनी होती है। एक चम्मच मैं इसमें शुगर पाउडर डाल रही हूँ, इसे स्वीट एंड सार टेस्ट देने के लिए। देखिए ये हमारी डिश तैयार है। आप चाहें तो इसमें मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप इसको रिचनेस देना चाहते हैं, रिच फ्लेवर इसका बनाना चाहते हैं तो आप मेयोनीज ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं किया है मेयोनीज को ऐड। ये देखिए गाइस की स्मूथ कंसिस्टेंसी हो गई है, अब हम इसको बंद कर देंगे। और इधर हमारा फ्राइड चिकन भी रेडी हो चुका है, तो हम इसको भी फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसे जो हमने ये सॉस बनाई थी इसमें हम अच्छे से रैप कर लेंगे, ताकि ये सारी पूरी चिकन पे अच्छे से लग जाए। अब आप इसका टेस्ट देखिएगा, बहुत यमी टेस्ट आएगा आपको, स्वीट एंड सार, हल्का का मीठापन, हल्का का खट्टा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए गाइस ये हो गया है हमारा काई फ्राइड चिकन। ये देखिए कितना यमी दिख रहा है हमारा काई फ्राइड चिकन। चलिए अब हम इसको गार्निश करते हैं सर्व करने के लिए। तो गाइस ये हमने जैसे प्लेट में सर्व कर लिया है, इसमें हम गार्निशिंग के लिए ले रहे हैं मेयोनीज को। ये मेयोनीज भी मैंने बनाई है, आप चाहे तो इस मेयोनीज की रेसिपी मेरी पिछली रेसिपी में देख सकते हैं। ये मैंने सेसमी सीड को यूज करते हुए ये मेयोनीज बनाई थी। इसके साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप जरूर ट्राई करें मेयोनीज को भी, और लीजिए आज की हमारी काई चिकन फ्राई तैयार है। आप जरूर टेस्ट कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल सिद्दीकी सेंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।